कठुआ और उन्नाव का दर्द कम भी नहीं हुआ था कि सूरत में एक और घटना ने दिल दहला दिया है। सूरत के पांडेसेरा इलाके में 11 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप के बाद पूरे इलाके में नाराजगी और गुस्सा है। घटना 6 अप्रैल की है, जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद गैंग रेप की बात सामने आई है। 11 साल की मासूम के साथ न सिर्फ रेप किया गया, बल्कि उसे 8 दिनों में इतना टॉर्चर किया गया कि उसकी लाश पर 80 से ज्यादा चोट के निशान पाए गए। अब तक इस मासूम की पहचान भी नहीं हो पाई है, यानी अब तक परिवार को भी नहीं पता कि उनकी बेटी के साथ इतनी दरिंदगी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि कई दिन बच्ची के साथ बलात्कार किया गया, उसे लकड़ी से पीटा गया और फिर गला घोटकर मार दिया गया। इतनी बर्बरता करने वाला शख्स अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। पांडेसेरा पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं मासूम के परिवार की जानकारी देने वालों को 20,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई है। पांडेसेरा पुलिस स्टेशन विस्तार में प्रियंका ग्रीन पार्क और क्रिकेट फकीर क्रिकेट ग्राउंड के पास में जो रोड जाती है, वहाँ से सुबह 6 बजे के आसपास एक लड़की की डेड बॉडी मिली थी, जो वहाँ मॉर्निंग वॉक करने के लिए जो जा रहे थे पर्सन, उन्होंने पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म किया। पुलिस फोर्स जो वहाँ पर भेजने के बाद पता चला कि किसी ने, वो 11 साल की एक लड़की थी जिसने एक पोपटी कलर का मतलब लेगिस और टी शर्ट मतलब पहनी हुई थी और शरीर पर कुछ इजा के निशान थे, और उसको मतलब ये आगे की कार्रवाई करके PM के लिए मतलब भेजा गया था। PM रिपोर्ट आने के बाद मतलब 302 और सेक्सुअल असल्ट के हिसाब से गुना दर्ज किया गया है, और वो जो है बॉडी अभी तक मतलब जो अनआइडेंटिफाइड रही है। उस में हमें एक तो उसके शरीर पे हमें अलग अलग ड्यूरेशन की इजा मिली, मतलब कुछ 1 दिन की मिली, कुछ 7 दिन की मिली, ऐसे अलग अलग ड्यूरेशन की मिली, और ज़्यादातर काफ़ी सारी जो इजाएँ थी वो लकड़ी जैसे किसी हथियार से हुई हुई थी। ठीक है, उस लड़की का जो उसके साथ संभोग के चांसेस भी हैं, जिसके लिए हमने भेजा है सैंपल। टोटल हमें 86 इंजरीज मिली सब मिला के एक्सटर्नल, वही इंटरनली काफ़ी जगह डैमेज किया गया है, और उसका जो मरण का कारण है, मृत्यु का जो कारण है, वो गला दबा के हुआ है। तो यहाँ पर आपने सुना किस तरह से डॉक्टर का ये कहना है कि कितने दिनों तक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ और शरीर पर 80 जगह चोटों के निशान है। हर खबर की लेंगे खबर मास्टर स्ट्रोक में रात 9 बजे। ये है ABP News, आपको रखे आगे।